हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका, मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं मड़ुआ का नाश्ता लेकर आई हूँ। इसे आप मड़ुआ का उत्तपम कहिए या मड़ुआ का चीला कहिए या मड़ुआ का एक बहुत ही हेल्दी नाश्ता कहिए। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये खासकर हमने डायबिटीज वालों के लिए सोच के बनाया है। इसमें काफी सारी हेल्दी सब्जियां पड़ेगी, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए हम इसे फटाफट बनाना शुरू करते हैं। हमने यहाँ पे लिया है मड़ुआ का आटा, तो इसको अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं पे मड़ुआ, कहीं पे नागली, कहीं पे मुंधा, कहीं पे रागी नाम से जाना जाता है। तो इस आटे को हम एक घोल बनाएंगे। घोल के लिए हम एक बड़ा सा बोल लेंगे और इसमें हम डालेंगे मड़ुआ का आटा, जिसका हम नाश्ता बनाएंगे। ये नाश्ता डायबिटीज वालों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। डायबिटीज वाले परेशान हो जाते हैं एक एक चीज खा खा के, तो ये उनके लिए बेहद फायदेमंद रेसिपी है। यहाँ पे हम 2 चम्मच डालेंगे चने का आटा। चने का आटा भी डायबिटीज में फायदा करता है। दोनों को हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक घोल बनाएंगे। तो ध्यान रहे, पानी आप अंदाज से डालिए, जितना जरूरत होगा उतना ही पानी हमें लेना है। यानी कि इसे हमें एकदम इडली के बेटर जैसे एक बेटर तैयार करना है, जैसे हम आम चीला या उत्तपम का बेटर बनाते हैं उसी टाइप का हमें बेटर बनाना है। तो हम इसे चलाते हुए बनाएंगे, नहीं तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं अपनी बेटर एकदम लम्स फ्री हो गया है, इसमें बिल्कुल लम्स नहीं है। और इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, बिल्कुल ढोसा या उत्तपम का जैसा हम बेटर तैयार करते हैं उसी टाइप का है। अब हम इसमें कुछ सब्जियां ऐड करेंगे जिससे ये और हेल्दी बनेगा। तो यहाँ पे हमने एक प्याज लिया है जिसे बारीक बारीक काट रखा है। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो स्किप कर दीजिए। 1 से 2 हरी मिर्च डाल दीजिए। टमाटर, सभी सब्जियों को हमें एकदम बारीक बारीक काटना है। गाजर, यहाँ पे हमने एक छोटा सा कैप्सिकम भी काट रखा है। आपको जो सब्जी पसंद है उसे डालिए, जो नहीं है उसे स्किप कर दीजिए। अब हम सब्जियों को बेटर में अच्छे से मिला लेंगे। ये बहुत ही हेल्दी नाश्ता बनने वाला है। हम स्वाद के अनुसार यहाँ पे नमक ऐड कर लेंगे। तो नमक आप हल्का ही डालिए, क्योंकि हम इसे चटनी या सब्जी के साथ खाएंगे तो उसमें भी नमक रहता है। तो आप देख सकते हैं अपनी बेटर तैयार हो गई है। अब हम इसे ढक के 10 से 15 मिनट तक छोड़ देंगे, जिससे अच्छे से फूल जाएगा। चलिए हम बेटर को चेक कर ले रहे हैं। तो आप देख सकते हैं अपने बेटर काफी फूल चुका है। यहाँ पे अपनी बेटर थोड़ा सा गाढ़ा भी हो गया है, तो हम इसमें बिल्कुल 1 चम्मच पानी डाल के और थोड़ा सा और पतला कर लेंगे। अब ध्यान से पानी डालिएगा, ज्यादा पतला भी ना हो और ज्यादा गाढ़ा नहीं रखना है। तो हमने यहाँ पे 1 चम्मच पानी डाला और अच्छे से मिला लिया। चलिए अब हम गैस की तरफ चलते हैं। गैस पे हमने एक पैन ले रखा है, गैस को हम ऑन करेंगे और पैन में हम 1 छोटा चम्मच तेल डालेंगे। आप देख सकते हैं हमने बिल्कुल थोड़ा सा तेल डाला है। तेल को हमें थोड़ा सा फैला देना है, यानी कि कहेंगे कि ग्रीस कर लेंगे अपने पैन को। हम पैन को 1/2 चम्मच तेल से ग्रीस कर लेंगे। ऐसे ग्रीस करने से इसे फ्लिप करने में आसानी होता है। आप चाहें तो इसे तावा पे भी बना सकते हैं। और हम यहाँ पे 1 से 1.5 चम्मच बेटर डालेंगे और बेटर को फैला देंगे। तो यहाँ पे हम 1 चम्मच बेटर डाल रहे हैं। आपको छोटा साइज में बनाना है तो कम बेटर डालिए। या तो हमने फैला लिया है, अब हम इसे कवर करके
चार से पांच मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। चलिए हम कवर हटा के अपना नाश्ता चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ऊपर वाली लेयर जो है बिल्कुल सूखा सूखा दिख रहा है, इसका मतलब एक साइड से अच्छे से पक चुका है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा देसी घी लेंगे और किनारे किनारे अच्छे डाल लेंगे। आप चाहें तो तेल भी डाल सकते हैं, पर घी से इसका स्वाद बहुत बढ़ जाता है। हम स्पैचुला की मदद से इसे ऐसे फ्लिप करेंगे। आपको मैं दिखा देती हूँ कितनी बढ़िया जालीदार अपने मड़ुआ का नाश्ता तैयार हो रहा है। हमें दूसरे साइड से भी इसे अच्छे से सेक लेना है जिससे अपनी सब्जियां पक जाए। हमें अब कवर नहीं करना है, ऐसे ही इसे 3 से 4 मिनट तक सेकना है। तो चलिए हम दूसरे साइड से भी इसे सेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया अपने मड़ुआ का नाश्ता तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया मड़ुआ का नाश्ता कितना बढ़िया बनके तैयार हुआ है। इसे आप मड़ुआ का चीला, मड़ुआ का उत्तपम कहिए या मड़ुआ का नाश्ता कहिए, ये आम लोगों के लिए तो फायदेमंद है ही, डायबिटीज वालों के लिए भी काफी फायदेमंद है। तो चलिए हम सभी चीला ऐसे ही बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया मड़ुआ का नाश्ता बनाना कितना आसान है, खाने में तो टेस्टी है और हेल्दी भी है। इसमें बहुत सारी सब्जियों के साथ हमने बना रखा है। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप भी जरूर ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।